हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो नॉर्मल प्रेस होती है हैवी वेट, उसका हम जो ऑटो कट है उसको कैसे सेट कर सकते हैं ताकि वो ज़्यादा गर्म ना हो और ज़्यादा ठंडी भी ना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। प्रेस का जो ऑटो कट होता है वो जे होता है, ये देखिए जे ऑटो कट फिट किया हुआ और जे इसके दो पॉइंट्स हैं और इसकी जो सेटिंग ये है स्क्रू लगा हुआ है जहाँ से होती है। इसको हम जितना टाइट करेंगे उतनी ही प्रेस ज़्यादा गर्म होगी। तो चलिए मैं आपको चेक करके बताता हूँ। ये देखिए मैंने कंटिन्यूटी पे लगा दिया है, ये इसके जो रिमूविंग है पॉइंट है यहाँ पर है, शायद आपको दिख रहा होगा। ये देखिए थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये देखिए ये जो होता है इसकी हेल्प से, ये जो साइड है इसकी हेल्प से जो प्रेस है कम करती है, यही उसको गर्म कम ज़्यादा करती है। ये देखिए ये छोटा और बड़ा जहाँ इसकी साइड होती है वहाँ पर, ये देखिए ये बड़ा हो गया और हमें जहाँ पर रख के इसका कॉन्टिन्यूटी बनानी होती है और जहाँ पर रख के आप इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करके इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मैं इसकी कॉन्टिन्यूटी सेट करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मल्टीमीटर से इसकी कंटिन्यूटी बिल्कुल सेट हो चुकी है और ये देखिए जहाँ पर जो है ये बंद हो जाएगी। जब जहाँ पर आनी चाहिए फिर ये बंद होनी चाहिए, ये देखिए, और यहाँ पर ये ऑन होनी चाहिए। जैसे ही जहाँ पर आ जाए जहाँ पर ये बंद हो जानी चाहिए। जहाँ मोटी साइड जहाँ पर आ जानी चाहिए तब ये बंद हो जानी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड इस तरह से आप इसकी जो है कंटिन्यूटी और इसकी हीटिंग जो है सेट कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका ज़रूर आंसर दूंगा। जहाँ पर इसकी जो कंटिन्यूटी है वो सेट हो जाती है, बिल्कुल बंद होगी ये देखिए, और ये अब चल पड़ी, लास्ट पे जाके बंद होगी। इस तरह से आप इसकी कंटिन्यूटी और हीटिंग जो है सेट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।